तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ कबाए रोके भाई। हमारे चैनल पर बार आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे सेट कर दो। तो दोस्तों, आज आप बात करने वाले सीएस रैंक की प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसमें आप इजीली हीरोइक कैसे जाए उसके रिलेटेड बात करें। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, जैसे ही सीएस रैंक का न्यू सीजन आए, तो आप लोग को मतलब जिन लोग को हीरोइक ईजी जाना है वो क्या करें, ओके उसके रिलेटेड बात करता हूँ। तो भाई उन लोग को क्या करना है, 10 दिन के लिए सीएस रैंक नहीं खेलना, उसकी जगह पे उन लोग को रैंकेड खेलना है। और रैंकेड में क्या करना है, क्योंकि तब कम लेवल वाले बंदे आएंगे और वो ईजिली उसके सामने बुया ले सकते हैं, ओके। और जैसे कि बुया ले लेंगे, उसके 10 दिन के बाद आप लोग को सीएस रैंक खेलना है, तो ईजिली आप लोग भी हीरोइक पहुँच जाओगे। तो भाई लोग, अब आपको मैं देने वाला हूँ एक एग्जांपल, ओके। तो भाई एक तरफ है अज्जू भाई, जो इस सीज़न में मतलब सीएस रैंक के सीज़न में हर वक्त ग्रैंड मास्टर पुश किया है, ओके, मतलब 2 मंथ में ग्रैंड मास्टर ही रहे हैं। और दूसरी तरफ आते हैं हमारे अमित भाई, जो 2 मंथ में एक बार हीरोइक गए, ओके। तो भाई अब सीएस रैंक न्यू चेंज हुआ, और चेंज होते ही दोनों आ गए गोल्ड में, ओके। तो भाई अब दोनों एक गेम में साथ आए, मतलब अपोनेंट में, ओके। एक तरफ है अज्जू भाई और एक तरफ है अमित भाई। तो अब आप ही कीजिए कि भाई कौन विन करेगा, अज्जू भाई या अमित भाई। तो भाई विन होगा अज्जू भाई, क्योंकि अज्जू भाई ने भाई बहुत सारी गेम खेली है और उसके पास क्या है भाई, एक्सपीरियंस, ओके। तो भाई वैसे ही मैं कह रहा हूँ, आपके साथ भी सीएस रैंक जब स्टार्ट होता है तो आपके साथ भी ऐसा ही होता है, इसलिए आप अपनी गेम हार जाते हो। तो भाई लोग, आपको क्या करना है ऐसे गेम हार जाए तो? तो भाई आपको हारना नहीं है, आप भी यार रैंक मतलब सीएस रैंक में पुश कर सकते हो, तो कैसे वो भी मैं कह रहा हूँ। तो भाई आप लोग को डेली 3-4 मैच तो खेलना है, जैसे सीएस रैंक का और रैंक का। तो आप ऐसे लगातार करोगे तो आपका भी यार वो एक्सपीरियंस लेवल दोनों में बढ़ेगा, ओके, समझ रहे हो आप लोग, मतलब इजीक्वल टू हो जाएगा दोनों में। तो आप लोग नए सीएस रैंक आएगा तो आप लोग भी इजी गेम मतलब गेम होगी वो आप विन कर पाओगे। अब आप बात करता हूँ भाई आप लोग को कैसे प्लेयर होने चाहिए। तो भाई सबसे पहले आता है स्नाइपर प्लेयर। तो भाई सीएस रैंक में एक स्नाइपर प्लेयर होना चाहिए जो सभी को कवर दे, और दूसरा होना चाहिए ग्रेनेड किंग, मतलब ग्रेनेड करने वाला एक प्लेयर, और तीसरा होना चाहिए रशर, जो बहुत बढ़िया तरीके से रश करता हो, और चौथा प्लेयर चाहिए मिड रेंज, जो मिड में मतलब रशर को थोड़ा थोड़ा कवर दे। तो भाई ऐसे 4 प्लेयर आप रख सकते हो सीएस में, और वही प्लेयर आपकी सीएस मतलब ग्रैंड मास्टर में हेल्प कर सकते हो और हीरोइक में, ओके। तो भाई आप लोग को ऐसे प्लेयर चाहिए तो आप लोग को कैसे मिलेंगे वो भी मैं आप लोग को कह देता हूँ। तो भाई जैसे ही आप अभी सीएस रैंक खेल रहे हो, तो उसमें से आपने 300 मैच खेले और 300 में से 300 फ्रेंड हुए आपके, ओके, समझ रही हो। तो भाई 300 में से कोई 3 बंदे ले लीजिए जो बहुत अच्छी स्नाइपिंग करते हो, रश करते हो और मिड रेंज में हो, ग्रेनेड करते हो। तो ऐसे 3 प्लेयर के साथ आप लोग खेल सकते हो और एक बढ़िया वाली टीम बना सकते हो और इजीली ग्रैंड मास्टर और हीरोइक पुश कर सकते हो। तो भाई आज के लिए इतना ही, तक कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। और कल एक ओपी वाला वीडियो आने वाला है भाई, उसके लिए भी बहुत ही वेट करना और रेडी रहना।